अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ना सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन इतनी भी सुबह नहीं है, तकरीबन 9 बज रहे हैं ना। तो मैं रात को थोड़ा मैं लेट सोया था। आज ईद का दूसरा दिन है ना, ठीक है, सेकंड डे है। तो आज चेक करते हैं मुर्गे का जो मतलब किया हुआ था ना हमने, उसको टमाटर वगैरह दिए थे और साथ इंजेक्शन वगैरह दिया था। तो देखते हैं कि अगर ठीक हुआ ना तो ठीक है, नहीं तो फिर नुमान भाई को फिर दोबारा मैसेज करते हैं कि क्या करना है अब इसका। अभी जो है ना, हमने तार वगैरह खोल के छत पे आ चुके हैं, ठीक है। हम देखते हैं यार मुर्गे का क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ यार। ओए ये क्या हो गया? ओए हेलो, ओए ओए हेलो, उठ मुर्गे। ओ यार शिट। यार बहुत नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। मैंने देखे ना आपके सामने, मैंने इसकी कितनी केयर की है, ठीक है। इसको चलाया फिराया इसको ना, मैं कहता इसको हजम हो जाए, लेकिन इसको हजम नहीं हो पाया यार। मुझे नहीं उम्मीद थी कि यार ये ठीक है, इस तरह इसकी कंडीशन होगी। ये मेरे ख्याल में रात का जो है ना, नहीं रात का नहीं, ये तकरीबन भी है ना, ये सुबह सुबह का जो है ना, सुबह सुबह का टाइम जो है ना, ये डेड हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में नहीं था, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बचाने की उसको, लेकिन ना मेरे हाथ में नहीं था। जो अल्लाह का मंजूर था वो हो चुका है, ठीक है। अभी ये मुर्गियों को थोड़ा दाना वगैरह डालते हैं और नुमान भाई को बताते हैं कि यार नुमान भाई आपका जो है ना मुर्गा वो अब एक्सपायर हो चुका है, तो अब किसका क्या करना है यार। कसम बड़ा अफसोस, बहुत अफसोस हुआ यार। मैं यकीन मानो बहुत शर्मिंदा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा अपना था ना, तो मुझे इतना अफसोस ही नहीं था। हालांकि ये नुमान भाई का मुर्गा था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट करके मुझे पकड़ा गए थे, ठीक है। ठीक है, ये हाफ दाने हैं, ठीक है, और ये थोड़ी सी फीड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इनको डालेंगे अभी। आ आ आ आ तो अभी फटाफट से नुमान भाई से पूछते हैं कि यार क्या करना है इनका मुर्गे का, क्योंकि डेड बॉडी ज़्यादा पड़ी रहे ना, तो फिर स्मेल छोड़ जाती है और फिर बदबू जो है ना घर में फैल जाएगी। तो अभी क्या करना है इसका, दफनाते हैं फिर इसको। बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बहरहाल नुमान भाई कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि उसको ना छापर के अंदर डाल के ना दफना दो। तो अभी चलते हैं नीचे, छापर वगैरह डाल के इसके अंदर, छापर वगैरह के अंदर डालते हैं इसको और दफनाने चलते हैं। क्योंकि आप ज़्यादातर पड़ रहे ना, ठीक है, कोई डेड बॉडी पड़ी रहे तो फिर वो बहुत गंदी स्मेल छोड़ जाती है। तो अभी ये देखें इनको वगैरह भी, इनको तार लगाते हैं, ठीक है। तो फिर आके जो है ना, वैसे मैं इनको जो है ना दाना पानी काट दिया, वो खा भी लिया, ठीक है, पानी वगैरह भी पी लिया। तो अभी तारा वगैरह भी लगा दिया इनको। तो अभी चलते हैं नीचे, ठीक है, और इसको दफनाते हैं। तो अभी जो है ना हमने घर से जो है ना ले लिया, ठीक है, जा रहे हैं। जितने मैंने अपने चूजे थे ना, वो सारे के सारे मैंने वहाँ पे अपनी गली के अंदर ही दफनाए हैं ना। लेकिन ये वही चूजा जिसको मैं अपने गली के बिल्कुल सामने रोड जो है ना, रोड के दरमियान फुटपाथ है, वहाँ पे दफनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो साथ मैंने इसको ले लिया, ठीक है, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है, खोदना वगैरह, फिर दफनाना, फिर 100 मामला होते हैं। बहुत वायरल तकरीबन 4,000-4,500 का नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम रोड पार कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दफनाएंगे हम, कोई नरम जगह ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे दफनाएं, यहाँ पे हम खुदाई शुरू करते हैं। भाई रालों से काम नहीं बना, ठीक है। तो हम ना जो है ना ये वाले हैं, ठीक है, वो साथ पर है ना डेरे से, क्योंकि उससे सही खुदाई नहीं हो। चलो शाबाश शुरू हो जाओ। तो अभी जो है ना हम खुदाई वगैरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना दरख्त इसकी पहचान है, बिल्कुल सामने है साथ, इसी वजह से हमारी पहचान हो जाएगी। यहाँ पे हमने दफनाया था, अगर कोई खोद देता है, ठीक है, तो हम जो है ना देख लेते हैं कि यार किसी ने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं। नीचे से मट्टी बहुत सख्त है यार, तो बहुत ज़्यादा सख्त है। चल कोशिश करो। ये खुदाई वगैरह कर ली हमने और बस दफनाने लगे ऐसे।
अभी दफना के आ चुका हूँ, ठीक है मुर्गे को। तो अभी क्या हो गया है, क्या हो गया, कौन छोड़ कर रहा है? अच्छा जी छोड़ कर रही है, ये वाली मुर्गी छोड़ कर रही है। अभी इनको डालते हैं, वो पालक वाला ले के आया था ना, और साथ एक टमाटर भी जो मुर्गे के लिए ले के आया था वो भी डालते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना अंडा वगैरह उठा के फिर घर चलते हैं। अभी जो है ना हमने काट लिया, ठीक है ये भी डालेंगे इनको। आइयो भाई, आइयो 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 आइयो, थोड़ा सा भी डाल देंगे, ठीक है ये खाओ खाओ खाओ। ये देखें जी ये खा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर भी थोड़ा सा डाल दिया। तो अभी आपको ना जो अंडे दिखाता हूँ, अभी आधे दिन के अंडे हैं, 7 अंडे आधे दिन के। आगे हिसाब लगा लें कि मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं। 1 2 एक तो और भी दिया था हल्का सा टूटा हुआ है, ठीक है ये मेरे ख्याल लाइट सक्स का है। चल खा ले खा ले, वो भी बाहर आ गई है, वो देखें, चलो अंदर। एक वो वाली थी जो मैंने वहाँ पे बंद की जो खा रही है, और एक जो है ना वो वाली है सर। नीचे आने लग पड़ी है मुझे, क्योंकि हल्की सी हवा चलने लग पड़ी है ना, ये देखे मौसम वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया, तो इसी वजह से। और वो देखे कल वाला जो आदमी था ना खड़ा हुआ था, वो आज भी खड़ा हुआ है, ये देखें। ये असल में इसको ना जिन पड़े हुए हैं, ठीक है, जिन भूतों का सिस्टम है, तो उसी वजह से छत पे खड़ा रहता है। तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इसको। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।